अगर क्वेश्चन ये आए कि एक इंटीजर है और एक फ्लोट है, और उस वक्त अगर हम मॉडुलस मॉडुलस ऑपरेटर यूज़ करें या डिवीज़न ऑपरेटर यूज़ करें तो क्या होगा? तो उस वक्त क्या होता है कि जो इंटीजर है ये 4 बाइट का है और ये जो फ्लोट है 8 बाइट का है। तो कभी भी जब भी अगर ऑपरेशन हम दो डेटा टाइप के बीच अगर कर रहे हैं और दोनों डिफरेंट टाइप्स का है, तो एक जो छोटा वाला है वो अपने आप ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है बड़े वाले वैल्यू में। तो यहाँ पे क्या है, ए इंटीजर है, बी क्या है, ये फ्लोट है। तो अगर यहाँ पे हम ए प्लस बी करें तो 16 प्लस 2.5, अब ए जो होगा 16 की तरह बिहेव नहीं करेगा, ये फ्लोट की तरह करेगा और इसका जो वैल्यू स्टोर होगा वो 16.0 प्लस 2.5 इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 18.5। उसी तरीके से अगर माइनस करें तो सेम हो जाएगा। अब अगर क्वेश्चन आता है कि ए डिवाइड बाई बी करूं तो ये क्या आएगा, तो ये अब क्या हो जाएगा, एज अ फ्लोट में जिस तरह से बिहेव करता है वैसे करेगा, यानी कि 16 डिवाइड बाई 25, ये ऐसा हो गया जैसे 16 पॉइंट डिवाइड बाई 2.5। तो इसको जब हम अगर डिवाइड करते हैं तो इसका जो भी रिजल्ट आएगा, तो कितना हो गया, 160 डिवाइडेड बाई 25। तो ये कितना हो जाएगा, 25 × 6, 150.4 आई गेस कितना आना चाहिए, जो भी हो 6.4 इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो ये बस ध्यान में रखना है कि अगर कोई भी एक डेटा टाइप है और एक दूसरा डेटा टाइप, दोनों डिफरेंट हैं और दोनों पे ऑपरेशन कर रहे हैं, तो जो छोटा वाला डेटा टाइप है जिसका रेंज ले छोटा है, मतलब 4 बाइट का इंटीजर, फ्लोट 8 बाइट का, तो जो छोटा वाला है बड़े वाले में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है।